हॉलीवुड इनसाइट हिंदी पर आज हम एक्सप्लेन करेंगे 2019 में आई इटालियन ड्रामा फैंटेसी फिल्म द मैन विदाउट ग्रेविटी। मूवी की शुरुआत में दो महिलाओं को दिखाया जाता है जो माँ बेटी होती हैं। माँ का नाम अलीना और बेटी का नाम नतालिया होता है। नतालिया गर्भवती होती है और वह दोनों गाड़ी से हॉस्पिटल जा रही होती है। हॉस्पिटल पहुँचने पर उन्हें वहाँ सिर्फ एक नर्स मिलती है। हॉस्पिटल में नर्स ही नतालिया की डिलीवरी करवाती है, लेकिन जैसे ही नतालिया का बच्चा बाहर आता है तो वह हवा में उड़ने लगता है। असल में उस बच्चे पर ग्रेविटी का कोई असर नहीं होता है। यह देखकर वे तीनों महिलाएं आश्चर्यचकित रह जाती हैं। उसके बाद अलीना अपनी बेटी को लेकर चुपचाप घर आ जाती है, यहाँ तक कि वह नर्स को भी अपनी कोई पहचान नहीं बताती है। घर आने के बाद अलीना अपनी बेटी से उस बच्चे के पिता के बारे में पूछती है, लेकिन नतालिया बताती है कि उसे नहीं पता है उसका पिता कौन है। उसके बाद अलीना कहती है कि हम इस बच्चे को बाहर जाने नहीं दे सकते, क्योंकि हम नहीं जानते हैं कि बाहर के लोग इसके साथ कैसा व्यवहार करेंगे। अगले दिन सुबह जब नतालिया और अलीना जागती हैं, तो उन्हें बच्चा छत पर सोता हुआ दिखाई देता है। नतालिया अपने बेटे का नाम ऑस्कर रखती है और कहती है कि वो एक एंजल है। उस दिन कुछ महिलाएं बच्चे को देखने के लिए उनके घर आती हैं, लेकिन अलीना उन्हें बच्चे को उठाने नहीं देती है और बताती है कि वह बहुत ही नाजुक है। असल में उन्होंने ऑस्कर को एक बेल्ट से बांधकर पालने में सुला रखा होता है। उनके जाने के बाद अलीना और नतालिया घर की छतों के नीचे ढेर सारे कपड़े और गद्दे लगाती हैं, जिससे ऑस्कर को ऊपर जाने पर चोट ना लगे। धीरे धीरे ऑस्कर बड़ा होने लगता है, लेकिन अलीना उसे बाहर नहीं जाने देती है, क्योंकि उसे लगता है कि अगर ऑस्कर बाहर गया तो वह हमेशा के लिए उड़ जाएगा। ऑस्कर खिड़की से ही बाहर की दुनिया को देखता रहता है। अलीना उसे घर पर ही पढ़ाती है और ऑस्कर अपना टाइम पास करने के लिए टीवी पर बैटमैन देखता रहता है। एक दिन नतालिया ऑस्कर के लिए एक जैकेट बनाती है, जिसके जेब में वह वजन रखकर उसे चलना सिखाती है। उसके बाद अलीना के मना करने के बावजूद वह उसे बाहर घुमाने ले जाती है। अब इसके बाद से ऑस्कर बाहर घूमना शुरू कर देता है। एक दिन जब नतालिया सामान खरीदने के लिए दुकान के अंदर जाती है, तभी एक छोटी लड़की ऑस्कर से आकर टकरा जाती है, जिसका नाम एगता होता है। वह ऑस्कर को अपनी मदद करवाने के लिए उसे पानी की बोतलें दे देती है और उसे अपने घर तक छोड़ने के लिए कहती है। ऑस्कर उसके साथ उसके घर जाने लगता है। रास्ते में एगता उससे उसका नाम और पता पूछती है और उससे पूछती है कि वह कौन से विद्यालय में पढ़ने जाता है। ऑस्कर उसे बताता है कि वह किसी भी विद्यालय में पढ़ने नहीं जाता है। एकता का घर बहुत दूर होता है, इसलिए चलते चलते ऑस्कर थक जाता है और वह अपनी जेब में से वजन निकालकर बाहर फेंक देता है। जब वे दोनों एकता के घर पहुंचते हैं, तो एकता उससे पानी की बोतलें मांगती है। पहले तो ऑस्कर देने से मना करता है, लेकिन बाद में एकता उससे बोतल छुड़ा लेती है। बोतलों के गिरते ही ऑस्कर ऊपर उड़ने लगता है, लेकिन सौभाग्यवश वह उस घर के बाहर बने छज्जे से जाकर टकरा जाता है। एकता उसे देखकर आश्चर्यचकित रह जाती है और वह उसे सुपरमैन बुलाती है। उसके बाद एकता उसके लिए एक गुलाबी रंग का पिट्ठू बैग देती है। ऑस्कर उसे अपने बारे में किसी को ना बताने के लिए कहता है। उसके बाद ऑस्कर अपने घर चला जाता है, जहां उसकी माँ और नानी उसका इंतजार कर रही होती है। अगले दिन से ऑस्कर और एकता साथ साथ रहने लगते हैं और वो दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश रहते हैं। फिर एक दिन जब एकता की दादी नतालिया से मिलती है, तो वह उसे बताती है कि एकता ऑस्कर को एंजल समझती है और वह कहती है कि ऑस्कर हवा में उड़ सकता है। नतालिया यह सुनकर थोड़ी डर जाती है, लेकिन अगले दिन से वह ऑस्कर को एकता से नहीं मिलने देती है।
इससे एकता और ऑस्कर को बहुत बुरा लगता है। फिर एक दिन पुलिस नतालिया के घर आती है। असल में नतालिया के पड़ोसियों ने पुलिस को जानकारी दे दी थी कि नतालिया ऑस्कर को विद्यालय नहीं भेजती है। पुलिस वाले उन्हें ऑस्कर को विद्यालय भेजने की चेतावनी देकर चले जाते हैं। अगले दिन से जब नतालिया ऑस्कर को लेकर विद्यालय जाती है तो वहां उसे सबके थैले बाहर टंगे हुए दिखाई देते हैं, जिसे देखकर वह डर जाती है और वापस आ जाती है। इस घटना के बाद वो तीनों बहुत दुखी हो जाते हैं और इस शहर को छोड़ देते हैं। अगले सीन में हमें ऑस्कर और नतालिया को दिखाया जाता है जो बर्फ के पहाड़ों के बीच में कहीं रहते हैं। ऑस्कर अब बड़ा हो चुका होता है, लेकिन वह अब भी एकता के दिए हुए पिट्ठू बैग को हमेशा अपने साथ रखता है। ऑस्कर की दादी अब इस दुनिया में नहीं रही है। ऑस्कर दिन में किताबें पढ़ता रहता है और टीवी देखता रहता है। वह यहाँ बिल्कुल ही अकेला महसूस करता है। यहाँ उसका एक ही दोस्त होता है जिसका नाम एंड्रयू होता है और ऑस्कर उसे पढ़ना सिखाता है। एक दिन जब सब लोग बार में बैठकर टीवी देख रहे होते हैं, तभी अचानक टीवी खराब हो जाता है। एंड्रयू ऑस्कर से कहता है कि चलो सीढ़ी लगाकर एंटीना सही कर देते हैं, लेकिन तभी ऑस्कर कहता है कि इसके लिए सीढ़ी की क्या आवश्यकता है, वह खुद ही जाकर सही कर देगा क्योंकि वह बैटमैन है। यह सुनकर नतालिया थोड़ी डर जाती है और ऑस्कर को इशारे से मना करती है। इसके बाद ऑस्कर यह कहकर बात को घुमा देता है कि वह मजाक कर रहा था। अगले दिन ऑस्कर टीवी पर एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मैन नाम का प्रोग्राम देखता है। फिर उसी दिन रात को ऑस्कर चुपचाप अपनी माँ को बिना बताए अपने घर से चला जाता है। अगले दिन वह उसी शो में पहुंच जाता है। वहां जाकर वह अपना बैग उतार देता है और उसके बाद सभी को उसके बारे में पता चल जाता है। फिर उसे एक डेविड नाम का आदमी मिलता है जो उसे बताता है कि वह उसके साथ काम करना चाहता है। ऑस्कर इसके लिए हाँ कर देता है तो डेविड उसे एक ब्रांड नेम देता है, द मैन विदाउट ग्रेविटी। उसके बाद डेविड ऑस्कर से कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाता है और उसे एक घर भी गिफ्ट देता है। उसके बाद ऑस्कर एडवर्टाइजमेंट में काम करना शुरू कर देता है। अब वह पूरी दुनिया में प्रसिद्ध हो चुका है। मैगजीन में उसके फोटो छपना शुरू हो जाते हैं, लेकिन यह सब कुछ ज्यादा दिन नहीं चलता है। जल्दी ही ऑस्कर इस जिंदगी से परेशान हो जाता है क्योंकि अब उसे लगता है कि लोग उसे सिर्फ एक वस्तु की तरह देखते हैं जिससे वह अपना एंटरटेनमेंट कर सके। उसके बाद एक दिन जब ऑस्कर एंजल की ड्रेस में एक एडवर्टाइजमेंट कर रहा होता है और लोग उसे चीयर अप कर रहे होते हैं, तो वह उन्हें गालियां देने लगता है। इस घटना के बाद में वह डेविड से कहता है कि वह अब यह काम नहीं करेगा। डेविड कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता है क्योंकि उन्होंने पहले से ही बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रखे हैं। ऑस्कर कहता है कि वह अपनी सारी प्रॉपर्टी बेचकर सबके पैसे वापस लौटा देगा। डेविड बताता है कि इसके बाद भी लोग उसके ऊपर केस कर देंगे। ऑस्कर कहता है कि तुम सभी से कह देना कि मैन विदाउट ग्रेविटी हवा में उड़ गया और कभी वापस ही नहीं आया। उसके बाद डेविड फिर ऐसा ही करता है और सारी दुनिया में यह खबर फैल जाती है कि मैन विदाउट ग्रेविटी हवा में उड़ गया। फिर हमें कुछ समय बाद का सीन दिखाया जाता है। ऑस्कर अब एक व्हील चेयर पर बैठा रहता है। उसने अपनी पहचान छुपाए रखने के लिए अपनी दाढ़ी भी बढ़ा ली है और वह हमेशा एक टोपी लगा कर रहता है, लेकिन एकता का दिया हुआ बैग अब भी उसके पास ही होता है। वह अब एक होटल में रिसेप्शनिस्ट का काम करता है। नतालिया भी अब इस दुनिया में नहीं रही है। ऑस्कर जिस होटल में काम करता है उस होटल में ज्यादातर फीमेल एस्कॉर्ट ही रहती है। एक दिन जब ऑस्कर होटल के रूम को चेक करके आता है तो अचानक एक लड़की उसे पहचान लेती है
और कहती है कि वह ऑस्कर है। पहले तो ऑस्कर मना करता है, लेकिन फिर वह लड़की उसे बताती है कि असल में वह एकता है और उसने उसे उसके बैग से पहचान लिया है। उसके बाद वह दोनों साथ में समय बिताने लगते हैं। एकता ने अपनी जिंदगी में बहुत ही कठिन समय देखे होते हैं और इसी वजह से अब वह एक फीमेल एस्कॉर्ट होती है। वह दोनों साथ में काफी खुश रहते हैं, लेकिन इसके बाद भी एकता अपना काम नहीं छोड़ती है। असल में एकता के पास अपनी जिंदगी जीने के लिए और कोई विकल्प नहीं होता है और ना ही उसकी आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी होती है कि वह अपना जीवन यापन कर सके। फिर एक दिन ऑस्कर एकता से अपने प्यार का इजहार करता है, लेकिन एकता उससे कहती है कि हम दोनों साथ में जिंदगी नहीं बिता सकते क्योंकि उसने अपनी जिंदगी में बहुत ही बुरे दिन देखे हैं और अब वह फिर से बुरे दिनों में नहीं जाना चाहती है। असल में एकता भी ऑस्कर को प्यार करती है, लेकिन उसने अपने जीवन में इतने ज्यादा बुरे दिन देखे होते हैं कि वह फिर से गरीबी की तरफ नहीं जाना चाहती है। एकता की बात सुनकर ऑस्कर बुरी तरह से टूट जाता है और वह वापस अपने पुराने घर में आ जाता है जहाँ उसका बचपन बीता था। कुछ दिन बाद एकता भी उसके पास आ जाती है और अब जैसे भी हो वो ऑस्कर के साथ ही रहना चाहती है। इसके बाद वह दोनों शादी कर लेते हैं। कुछ दिन बाद एकता गर्भवती हो जाती है। ऑस्कर अब बैटमैन के कपड़ों में बड़ी इमारतों के शीशों को साफ करने का काम करता है और वह अपनी जिंदगी में काफी खुश रहता है। इसके साथ ही यह मूवी खत्म हो जाती है। अगर आपको हमारा यह मूवी एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर कर देना और ऐसे ही अन्य वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।